सो हेलो गाइस, आज मैं बहुत दिनों बाद आ चुका हूँ आपके लिए वीडियो लेके। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक मारुति की तरफ से आइकॉनिक गाड़ी आ चुकी है जिसका नाम है स्विफ्ट। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे और आपको पूरा रिव्यू देंगे, तो आप वीडियो में ऐसे ही बने रहे। तो गाइस, जैसे कि हम इसका रिव्यू करने वाले, तो ये है स्विफ्ट VXR मॉडल लाया हूँ मैं आपके लिए, आपको दिखाने के लिए। तो पहले आप देख सकते हैं इसके हेडलाइट के लुक्स देखें तो ब्लैक स्मोकी टाइप में हो चुका है, जो कि पहले से ज़्यादा स्पोर्टी हो चुकी है गाड़ी। और ग्रिल देख सकते हैं आप, तो ये मैसिव ग्रिल कर दी है, पहले से बहुत बड़ी ग्रिल कर दी है। और ग्रिल का लुक देख सकते हैं, तो एक गाड़ी का एक स्पोर्टी लुक है। नीचे से भी आपका ब्लैक हो चुका है जो कि पहले एक ही कलर में आता था। और यहाँ पे आपके फॉग लाइट्स ये इसमें VXR मॉडल में आते नहीं है, बट ये कंपनी का जो है आपका फ्रंट लुक है, तो देख सकते हैं आप। तो जैसे कि आपने देख लिया फ्रंट लुक इसका पूरा स्पोर्टी, अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसके साइड का लुक। तो चलते देखते हैं इसके साइड में, तो साइड का लुक भी देख सकते हैं। और इसमें एक मेजर चेंज हुआ है, पहले आपका यहाँ पे आता था जो कि आपका हैंडल रहता था ना, डोर हैंडल, वो यहाँ पे दिया रहता था। अब ये स्विफ्ट में वापस आपका नीचे आ चुका है। और यहाँ पे भी आप कटआउट देख सकते हैं, एक स्पोर्टी लग रहा है पूरा गाड़ी का एक, तो ये एक स्पोर्टी कार टाइप लग रही है पूरी। और पीछे से भी मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगा अभी, तो पीछे से भी आप टेल लाइट भी देख सकते हैं, तो टेल लाइट भी पूरी स्पोर्ट टाइप बन चुकी है इसकी, जो कि देख सकते हैं आप जैसे लाइट वगैरह है इसमें। और ये भी स्मोकी लग रही है आपकी, पूरी स्मोकी टाइप है। और पीछे का लुक भी देख सकते हैं आप, तो आपने देख लिया पीछे का लुक जैसे पूरा स्पोर्टी है। और मैं आपको की दिखाना चाहूँगा इसकी, जो कि की आप देख सकते हैं। और ये आपका पहले ZXI में आता था, तो आपका VXI में नहीं आता था, बट आपको VXI में भी ऐसी की आ चुकी है जो कि बटन स्टार्ट बन चुकी है अभी गाड़ी। पहले आपकी नॉर्मल की आती थी, बट आप ये है पुश स्टार्ट बटन। तो अब चलेंगे चेक करेंगे इसका इंटीरियर। तो जैसे कि मैं बैठ चुका हूँ स्विफ्ट के अंदर, तो पहले मेजर अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक VXI मॉडल में देख सकते हैं पुश स्टार्ट बटन आ चुका है, जो कि पहले VXI में नहीं था, सिर्फ आपका ZXI मॉडल में आता था थर्ड जनरेशन, ये आपकी फोर्थ जनरेशन। उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे है ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। और आइडल स्टॉप बटन भी दिया हुआ है, जो कि यहाँ से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। आइडल स्टॉप मतलब कैसे रहता है, जैसे हाइब्रिड सिस्टम आपके ऑटोमेटिक सिग्नल पे बंद हो जाएगी गाड़ी, आप क्लच पकड़ोगे फिर ये चालू हो जाएगी। और एक गाड़ी में मेजर अपग्रेड किया हुआ है, जैसे कि भाई पहले फोर सिलेंडर आपकी गाड़ी जो रहती थी, फोर सिलेंडर रहती थी, बट अब ये थ्री सिलेंडर। तो ये मारुति सुजुकी ने थ्री सिलेंडर गाड़ी क्यों बनाई है, जैसे आपका जो माइलेज है आपको पहले से भी एक अच्छा माइलेज मिले, और पिकअप में कोई डिफरेंस आपको ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि ये गाड़ी मैंने खुद ड्राइव कर चुका हूँ मैं, और आपको एक ड्राइव टेस्ट भी छोटा सा देने वाला हूँ, तो आपको वो भी दिखाऊंगा मैं कैसे इसका पिकअप है। और मीटर के बारे में बात करेंगे, तो मीटर काफ़ी इसका स्पोर्टी बनाया, जो कि कंसोल मीटर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप भाई गाइस कमेंट में बता सकते हैं आपको कैसे लग रहा है इसका मीटर। और इंटीरियर भी आप लुक देख सकते हैं एक बार, इसमें 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम आपका इनबिल्ट ही आ रहा है, और ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल आ रहा है। तो पूरा ही पहले स्विफ्ट थर्ड जनरेशन से पूरा इसका इंटीरियर चेंज हो चुका है। और सेकंड मेजर अपडेट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 6 एयरबैग आ चुके, पहले आपके 2 एयरबैग आते थे गाड़ी में, लेकिन अब 6 एयरबैग कर दिए, वो भी कंपनी बेस मॉडल से आपको दे रही है। तो एक मेजर अपडेट मारुति सुजुकी ने किया है, और मारुति की ये आइकॉनिक गाड़ी पहले से ही थी, लेकिन अब इसमें और आपके मेजर अपडेट्स के वजह से और एक आइकॉनिक बन चुकी है अभी गाड़ी। तो गाइस मैं गाड़ी के बारे में आपको सब बता चुका हूँ, मेजर अपडेट जो था, और एक अपडेट इसमें हो चुका है, जैसे कि स्पेस पहले से और अच्छी हो गई है गाड़ी में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका हेडरूम, वो हेडरूम काफ़ी अच्छा हो चुका है, पहले से थोड़ा ज़्यादा है। और लेगरूम भी देख सकते हैं पहले से ज़्यादा किया हुआ है। और उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, जो कि आप पेट्रोल का फ्यूल का यहाँ पे आ चुका है, और बोनेट का यहाँ पे आ चुका है, पहले आपके नीचे आते थे, बट अब जो है स्विफ्ट में सब भी एक अपडेट और एक न्यू तरीके से पूरी गाड़ी बनाई चुकी है। और अब हम चलेंगे इसके पीछे और चेक करेंगे इसका पीछे का स्पेस कैसा है, बैठने में पीछे कैसे कंफर्ट है कि नहीं, तो देखते। तो गाइस जैसे कि अभी मैं पीछे का डोर तो खोल चुका हूँ, और जैसे कि आपने देखा कि आगे की सीट भी मैंने पूरी पीछे करने के बाद में भी आप देख सकते हैं इसका लेग रूम काफ़ी अच्छा दिया है, और इसका हेडरूम भी चेक कर सकते हैं। और 3 जन आराम से इसमें बैठ के आप कहीं भी जा सकते हो, तो 5 सीटर बेस्ट, मतलब पहले से और ज़्यादा कंफर्ट हो चुकी है आपकी स्विफ्ट, जो कि 15 mm से ज़्यादा भी हो चुकी है पहले से। और अभी हम करेंगे इसका छोटा सा, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसका टेस्ट ड्राइव भी मैं आपको दिखाता हूँ इसका पिकअप वगैरह कैसा है, तो चलते हैं और चेक करते हैं। तो गाइस टेस्ट ड्राइव लेने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका बूट स्पेस, तो देख सकते हैं आप चेकआउट कर सकते हैं। तो 265 लीटर इसका बूट स्पेस है, तो काफ़ी अच्छा है एक सेगमेंट के हिसाब से, इसमें आपका आराम से 2-3 लगेज बैग आ जाएगा, तो बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है मारुति सुजुकी ने। तो अभी हम ये बंद कर देते हैं बूट और चलते हैं इसके टेस्ट ड्राइव पे। तो गाइस अभी चालू कर देता हूँ गाड़ी, तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसका पिकअप। तो पिकअप देखने से पहले आप सीट बेल्ट लगाइए सेफ्टी के लिए, तो पहले लगा देते हम सीट बेल्ट, और ये डाल देते फर्स्ट गियर में, गाड़ी मैंने डाल दिया अभी, उसके बाद मैं हैंड ब्रेक नीचे कर लिया।
तो अभी दिखाऊंगा मैं 0 to 60 इसका कितने सेकंड्स में क्या जा रहा है, आप देख सकते हैं पिकअप वगैरह गाड़ी का कैसा है। तो गाइस गाड़ी का पिकअप तो बहुत ऑसम पिकअप है, जो कि गाड़ी का मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक 3 सिलेंडर गाड़ी की कोई फील ही नहीं है, ये एक आपके 4 सिलेंडर ही लग रही है। ऐसे कुछ नहीं है कि भाई 3 सिलेंडर किया है तो गाड़ी को पिकअप में कुछ ऐसा माइनस पॉइंट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक ज़बरदस्त पिकअप दिया है गाड़ी का, जो कि आप देख सकते खुद। तो ये छोटा सा ड्राइव आपके लिए है। गाइस चलाने में बहुत एक ज़बरदस्त गाड़ी है, मैंने पहले भी आपको पता है, और टेस्ट ड्राइव लेके भी आपको दिखाया, तो इसका पिकअप बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी का। तो पहले पहले मैं आपको बताऊंगा, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 163 mm का है। पहले आपका 165 आता था, ये थोड़ा सा कम हो चुका है। और अभी मैं इसका बोनट खोल के दिखाऊंगा आपको। तो अभी हम खोल देते हैं इसका बोनट। तो अभी मैं बोनट खोल चुका हूँ, आप इसके इंजन का लुक देख सकते हैं। तो पूरा एक स्पोर्टी लगेगा आपको, एक इंजन का लुक पूरा स्पोर्टी टाइप कर चुके हैं मारुति सुजुकी। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, पूरा यहाँ पर रबड़ से पैक हुआ आता है और यहाँ पर पूरा फ्लैप लगे रहता है, जैसे कि आपका इंजन जब गर्म होता है तो उससे कुछ आपका डैमेज नहीं होता। तो ये था इसका इंजन, और इसका इंजन 1197 cc का इसका इंजन है, और ये 3 सिलेंडर हो चुकी है। पहले आपकी आती थी 4 सिलेंडर, बट ये 3 सिलेंडर है। तो ये कोई डाउनग्रेड नहीं है गाइस, ये क्यों किया हुआ है कि आपके माइलेज के लिए किया है, तो माइलेज इसमें बेस्ट है और पिकअप भी बहुत अच्छा है। मैंने आपको टेस्ट ड्राइव करके दिखाया, तो पिकअप में ऐसा कुछ नहीं है, 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नॉर्मल एक आपको थोड़ा सा फ़र्क लगेगा, बट आपका माइलेज बहुत बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी कंपनी ने, मारुति सुजुकी ने की है। और गाइस जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाके चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारी वीडियो देखें। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।